नमस्कार, हिन टाइम मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जिले के मौसम की जानकारी के लिए कमेंट करें। देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। साइक्लोन मोका के असर से कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश भी देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में भयंकर रूप ले रहा तूफान मोका, ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट। उत्तर भारत में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन राज्यों के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी राजस्थान राज्य में भी धूलभरी आंधी के साथ में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दिल्ली NCR में भी बादल छाए रह सकते हैं। मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज से दिखने लगा तूफान मोका का असर। तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी धूलभरी आंधी के साथ में कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को भी मिल सकती है। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की दक्षिणी पूर्वी खाड़ी और उसे सटे दक्षिणी अंडमान सागर और उसे जुड़े क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसके और भी तेज होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। 9 मई को इसी क्षेत्र में और आगे दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान के रूप में भी बदल जाएगा। 10 मई के दौरान बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी और अंडमान सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों पे पहुंच जाएगा। 11 मई तक उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य की ओर, इसके बाद इसके आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बांग्लादेश, म्यांमार तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु तट से दूर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती संचलन से जुड़ा हुआ एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है, जिसके चलते भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से जुड़े क्षेत्रों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बंगाल में चक्रवाती तूफान के असर से 10 मई को कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक पड़ सकता है।